तो नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल इनसाइड पॉपुलर में बहुत ही ज्यादा स्वागत है। तो मित्रों, ये जो चैनल है इसमें आपको हर प्रकार की वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं भाई साहब अपने चैनल के भविष्य के बारे में। भविष्य तो कुछ नहीं है, बस यही है कि हमारा चैनल पर आज के बाद से मतलब काफी जल्दी से जल्दी वीडियो में डालने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आज आप मेरे सामने देख सकते हो कि मेरे पास एक ये सोल्डरिंग आयरन है जिसको मैंने तार लगाकर बहुत बड़ा किया हुआ है। आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो, इसको तार लगाकर मैंने बहुत बड़ा किया हुआ है ताकि ये थोड़ा मतलब दूर तक रेंज में भी काम कर सके। तो मित्रों, ये मैंने इसकी तार को बहुत बढ़ा दिया और इसको मैंने कम से कम 1.5 से 2 साल चलाया और अच्छे से चलाता रहा, अच्छे सोल्डरिंग काम बहुत अच्छा कर गई। लेकिन अब ये दोस्तों फूक चुकी है, एकदम खराब हो चुकी है। तो मित्रों, आज मैं आपको इसी को ठीक करने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। आपके पैसे 1 रुपए भी नहीं लगेंगे और एक भी चीज आपके घर पर सभी चीजों से पड़ी पड़ी चीजों से हो जाएगा। तो मित्रों, आपको इसको ठीक करने के लिए एक तो ये चाहिए, मतलब हैमर, इसको हम हथौड़ी भी बोल देते हैं देसी पंजाबी भाषा में। तो दोस्तों, एक तो ये चाहिए और भाई साहब इसमें पहले आपको मैं बता देता हूँ कि ये मतलब खराब कैसे हुई। इसको मैं चलाता रहा, एक दिन क्या हुआ भाई साहब, इसके अंदर शॉर्ट सर्किट हो गया और इसका एलिमेंट खराब हो गया। कई लोग कहते हैं कि शॉर्ट सर्किट होता है जब सोल्डरिंग आयरन में, तो इसका एलिमेंट खराब हो जाता है या कुछ हो जाता है इसमें। तो मित्रों, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ था, यहाँ पर आप देख सकते हो जहाँ पर मैंने टेपिंग कर रखी है। टेप मेरे पास नहीं थी अच्छी ब्लैक वाली, तो मैंने यही कर दी टाइम खाली में। और इसके मैंने कल पेज खोल कर अच्छे से ट्राई कर लिया था, इसके अंदर तारे मारे लगाकर इसको मैंने चलाने की कोशिश करी लेकिन नहीं चली। तो मित्रों, इसको मैंने चलाने के लिए अब क्या किया, इसकी लाइटिंग तो प्रॉपर कर दी है लेकिन इसकी एलिमेंट के ऊपर जो है हीट नहीं पहुंच रही है। तो इसके एलिमेंट के ऊपर हमें हीट कैसे लेके आए थे, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। इसको मैंने अच्छी तरह से ऐसे ऐसे करके पीट लिया था भाई साहब, इसको जमीन पर रख के अच्छी तरह से पीट लिया था। पीटने के बाद क्या हुआ मित्रों, इसको मैं अच्छी तरह से पीटता रहा और मेरी ये लाइटिंग के साथ ये जो रोड की मशीन थी अच्छे से गर्म होने लग गई और मतलब इसने वर्क अच्छा कर दिया। फिर इसके ऊपर से मैंने वो जो होता है क्या बोलते हैं उसे, मतलब जो घसने के लिए होता है वो लेकर आया था और इसको अच्छे से घस दिया था। और घसते घसते इसके ऊपर मैंने वो कर दिया, ये थोड़ा फोकस नहीं कर रहा है, ये फोकस कर लिया। इसके ऊपर मैंने इसको अच्छे से घस लिया था और सोल्डरिंग वायर को लगाकर इसको अच्छा बना लिया। तो मित्रों, यही था हमारे मतलब ये सोल्डरिंग आयरन को ठीक कर किया तो मतलब अच्छी चलने लग गई थी और हीट भी देने लग गई थी। तो मित्रों, आपको यही तरीका बता रहा हूँ कि इसको आपने कैसे करना है। कई लोग बोलते हैं कि एलिमेंट खराब हो गया है, एलिमेंट चेंज कर लो, यहाँ से रिंग घुमा लो, वो कर लो। दोस्तों, उनकी बात भी बिल्कुल सही है कि एलिमेंट चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इतनी देर चलने के बाद ऐसी जो मतलब लोकल होती हैं 70-80 रुपये वाली सोल्डरिंग आयरन खराब जाती हैं और भाई साहब आपको नई लेनी पड़ती है। तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि इसको आप मतलब नई ना लें और इसको ही ठीक कर सकते हैं। चाहे तो आप इसका एलिमेंट भी नया लगा सकते हैं, नहीं तो आप वैसे भी चला सकते हैं। इसको अच्छी तरह से पीट कर, मतलब अच्छी तरह से पीटना है इसको अपने हैमर के साथ। तो इसको अच्छी तरह से पीटना है, मैं अभी आपको बता देता हूँ हैमर से इसको कैसे पीटना है। नहीं तो आप एलिमेंट चेंज कर लेना अगर आपका एलिमेंट खराब है। सबसे अच्छी चीज तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने तो पीट कर ही इसको मतलब ठीक कर दिया था। पहले इसके ऊपर मैं ऐसे हाथ लगाकर पकड़ा हुआ था चालू मशीन के ऊपर। आप ऐसा बिल्कुल घर पर बिल्कुल भी ट्राई मत करना। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। इसको मैंने पीटूंगा, पीट कर देखता हूँ क्या पता चल जाए या ना चले, देखते हैं। इसको अच्छी तरह पीटता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है आगे का सीन हमारा। तो मित्रों, मैं इसको ऐसे ऐसे कर पीट रहा हूँ, इसको ज्यादा दबाव लगाकर पीटना है, अच्छे से पीटना है, क्योंकि इसके अंदर का जो मटेरियल होता है वो गाइस मतलब कम होने लगता है और कनेक्शन जो होते हैं वो टूटने लग जाते हैं, जिससे ये गर्म नहीं हो पाता है इसका एलिमेंट और ये अच्छे से हमारे सोल्डरिंग मतलब सोल्डर नहीं कर पाता है। तो इस कीड़ी की तरफ ध्यान मत करिए, इधर ही ध्यान रखिए। इसको अच्छे से पीट लिया, ये देख सकते हैं इसकी कितनी डस्ट और ये कार्बन निकल रहा है, देख सकते हैं आप मित्रों। इसको अच्छी तरह से पीटना है ऐसे करके, तो पीटते रहना है। अगर आपका ऐसे काम नहीं होता है पीटने के बाद भी, तो आपको सबसे अच्छी बात यही है कि आप इसका एलिमेंट चेंज कर सकते हैं। एलिमेंट चेंज करना बहुत ही आसान है, अगर आपके पास थोड़ा कैमरा एंगल चेंज होगा, अगर आपके पास पत्ती है तो इसको उतार दीजिएगा और उतारने के बाद आप क्या करिएगा, ये जो है इसको निकालने के बाद एलिमेंट चेंज कर दीजिएगा। वैसे ये नीचे वाला एलिमेंट भी चेंज होता है, ऊपर वाला तो मतलब कर देते हैं यार कई लोग, क्योंकि लुक बेकार सी लगने लग जाती है। बाकी हम इसको अच्छी तरह से पीटते हैं। अब इसको मैंने पहले ट्राई किया था, इसकी लाइट भी नहीं चल रही थी, अब मैं चलाकर देखता हूँ कि ये गर्म होता है नहीं होता है। इसको मैंने काफी पहले भी पीटा है और आपके सामने आपको दिखाने के लिए भी पीटा है। तो चलिए इसको चलाकर देखते हैं इसकी लाइट ठीक हुई है। सबसे अच्छा यही तरीका मैंने आपको बताया है इसको ठीक करने का, बिना किसी पैसों के, बिना किसी चीज के, कि इसको पीटना है। अगर पीटने से काम नहीं बनता, वैसे तो बन जाएगा मेरी तरफ से 70-80% तो सही है, बन जाएगा। अगर नहीं बनता है फिर भी, तो हमें क्या करना है मित्रों, अपनी ये जो सोल्डरिंग आयरन है इसका एलिमेंट चेंज कर लेना है जी बिल्कुल। अगर आप पैसे नहीं लगाना चाहते हैं, ये सिर्फ 5-10 रुपए में मिलता है ये एलिमेंट। मैंने इसका 2 बार बदल चुका हूँ और ये ऊपर वाला तो मेरा चल रहा अच्छा खासा, तो चलाता रहूंगा इसको। बस ऐसे ऐसे करके पीटते रहना है आपको, मतलब आपका काम बन जाएगा। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अभी वीडियो समाप्त नहीं हुई है, तो आपको आगे दिखाता हूँ ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मित्रों, चलिए आगे वीडियो को देखते रहिए।
तो मित्रों ये आप देख सकते हैं, इसको मैं प्लग में लगा रहा हूँ और इसको मैंने प्लग के अंदर घुसा दिया। अब बटन दबाते हैं और भगवान का नाम लेते हैं कि ये चल जाए। तो मित्रों ये बटन दबा दिया और ये मित्रों ये जो हमारी मशीन है, देखते हैं चली है कि नहीं चली। ओ भाई साहब, भाई साहब, हमारी जो मशीन है रोड की वो चल चुकी है, आप देख सकते हो। ये भाई साहब मेरे को यहाँ तक हीट महसूस हो रही है, एलिमेंट गर्म हो रहा है भाई साहब, काफी गर्म हो गया है हाथ, मतलब होने लग गया है गर्म थोड़ा थोड़ा। आप देख सकते हो थोड़ा फोकस करने में दिक्कत कर रहा है, बाकी तो सब सही। ये आप देख सकते हो एलईडी भी चलने लग गई है, फुका हुआ था जो वो भी अच्छे से अब चलने लग गया है मित्रों। तो यही मैं आपको बता रहा था, इसको पीट पीट कर ठीक कर लेना, ये एलिमेंट बदल कर चेंज कर लेना तो ये चलने लग गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर जरूर जाना, आपके मतलब चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, और लाइक भी कर देना अगर आपके पास टाइम है तो, नहीं तो भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको बस यही कहना था, अब वीडियो अच्छी लगी है तो एक दोस्त का भी चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। बस इसी वीडियो में इतना ही था, आगे के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।